अपने बच्चों को सुनाती तो जंग के वाकियात को फेर कर नगम में गीतों में कहकर सुनाती थी। इस यहूदो नसारा की लानत ने मुसलमान के घरों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप जानती हैं कि दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती, पाकी और नापाकी। जिस बगीचे के अंदर गंदगी हो, पेशाब के खतरे हो, नाली का पानी हो, उसमें पाक पानी जमा नहीं हो सकता। अगर किसी बाल्टी में किसी ड्रम में पेशाब के खतरे हैं और उसमें पाक पानी डाला जाए और हत्ता के दिल पर सीने पर पत्थर रखकर मैं कह सकता हूँ कि जमजम को भी डाला जाए तो जिसमें पेशाब के खतरे हैं जमजम भी अगर उसमें मिलेगा तो जमजम भी नापाक हो जाएगा। ये दुनिया के अंदर दस्तूर है कि गंदगी नेकी पर वाली बाकी है, बुराई अच्छाई पर वाली बाकी है। एक महल के अंदर शरीफ लोग हैं, वो अपनी नमाज को जाते हैं मस्जिद को, वो किस पड़ोस में रहते हैं पता नहीं। लोग इंतहा होता है तो कहते हैं कि भाई बड़े नेक अल्लाह वाले थे, कैसे रहते थे घर में पता ही नहीं, बस अपना काम हुआ, अपनी नमाज हुई, अपनी ड्यूटी हुई, किलर लाने बोलते थे। और एक आदमी है नमाज भी पढ़ता नहीं, रोजा भी रखता नहीं, रवड़ी जम करता है, गुंडागर्दी करता है। अब चलती किसकी है? क्या चलती उस नमाजी की है, अल्लाह वाले की है, या उस रवड़ी जम करने वाले की, गलाटा करने वाले की? गलाटा करने वाले की चलती है, महल वाले उसकी सुनते। इसे कौन पूछता है? तो ये दुनिया है गंदी, यहाँ पर गंदी की वाली वाती है। अब देखो यहाँ बयान हो रहा है, बयान क्या हो रहा है? जन्नत की मीराद को तकसीम किया जा रहा है, जन्नत के राहों का बयान है, जन्नत के हुरों का बयान है, अल्लाह की नियमतों का बयान है, अल्लाह के सिफात का बयान है। और एक तरफ घरों में टीवी चल रहा है, क्या मुसलमानों को पता नहीं कि आज हिसाब के मकान में हफ्तावारी तबाह होता है? जीत किसकी है? यहाँ आने वाली औरतों की तादाद ज्यादा है या ये के महल्ले में टीवी देखने वाली औरतों की तादाद ज्यादा है? क्या उनको मालूम नहीं कि टीवी देखने पर गुनाह होता है? टीवी देखने से जब हया का जनाजा निकलता है, टीवी देखने से अल्लाह की रहमत घर में बख्शत हो जाती है, क्या उनको मालूम नहीं कि टीवी में फिर अंदर बैठने से अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह मुसीबतों को दूर करते हैं, अल्लाह बलाओं को दूर करते हैं, अल्लाह बीमारियों को दूर करते हैं, अल्लाह ताला जिंदगी में सुकून नसीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला मरे आना में यहाँ आने वालों का तज़किरा करते हैं। कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून, जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। यहाँ अल्लाह को याद करने हुए हैं, भारत बहुत के हिस्से, ननन भारत के हिस्से, अरब बड़ों के हिस्से हम नहीं रहते। कुरान हदीस की बातें कहते हैं, अल्लाह रसूल की बातें कहते हैं, और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करते हो तो मैं फरिश्तों के पास तुम्हारे जिंदे सबके रहता हूँ, तुम्हारे ऊपर रहमत के फरिश्ते पलों को बिछा लेते हैं, और जब तुम निकलते हो अपने घरों से दीन की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, और दीन की बात को हासिल करने के लिए, जिलों में रहने वाली चूटियां, समंदर में रहने वाली मछलियां तुम्हारे हक में दुआएं किया करती हैं। ये फजीलत टीवी देखने वालों को हासिल है, उनको भी मालूम है इसमें आने वाली जो औरत है वो रहती है बेहया है, बेशर्म है। लेकिन जीत किसकी हो रही है? टीवी देखने वालों की। यहाँ आने वालों की तादाद आटे में नमक तो ज्यादा होता है उससे भी कम मालूम, यही हो यही इस्तेमाल अगर रमजान मुबारक में होता है तो इसकी तादाद तीन गुना हो जाती है। क्यों होती है? लेकिन टीवियां बंद है, रमजान का महीना है, तो जो बात रमजान में इबादत है क्या वो गैर रमजान में इबादत नहीं है? रमजान में अगर नमाज इबादत है तो 11 महीने में नमाज क्या गुना है? रमजान में कुरान पढ़ना इबादत है तो 11 महीनों के अंदर कुरान पढ़ना
सुनना इबादत है तो 11 महीनों के अंदर क्या दीन की बातें सुनना हराम है? क्यों नहीं आप? जीत किसकी हो रही है? जीत गंदी चीजों की हो रही है, गंदे लोगों की हो रही है, बुराई की हो रही है, आज कुफर की हो रही है। सच्चे लोग छुप गए हैं घरों के अंदर, बयाबानों के अंदर, जंगलों के अंदर। तो ये अल्लाह ताला का जरूर है दुनिया में कि गंदी चीजें हमारी बाकी है। और वो जमाना था कि बच्चे जब मदरसों से लौटते, मक्तबों से लौटते, हम पढ़ते, नाच पढ़ते, सोने की नुआ पढ़ते, खाने की नुआ पढ़ते, ईमान मुजमल वहां को सुनाते, ईमान मुफसल सुनाते। दादियां जो होती, नानियां जो होती, वो अपने पोतों को, नवासों को और अपने घरों के छोटों को सामने रखकर दुआएं पढ़ती थी। हजी रखती जल्लाह माफी अली अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे गुनाह करते थे। बड़े बूढ़े छोटे बड़े मर्द औरत जिक्र का माहौल था, कमाइयां कम थी, रहमतें नाजिल होती थी, ना कत्ल होता था, ना डकैती होती थी, ना खून होता था, कीमती जोड़े नहीं थे, कीमती जेवरात नहीं थे, मट्टी के मकानात थे, गलेरियों के छत थे, और आधे घरों में नहीं था, आधे घरों के अंदर चराग जलते थे, पंखा किसी घर में नहीं था, हम छोटे थे तो घरों में पंखा नहीं चला करता था, लोग जो है हाथों के जो पंखे थे उसको इस्तेमाल किया करते थे, नहीं मौसम भी रहमतों की हवाएं लग रहा था, आराम की नींद आती थी। आज अगर बिजली चली जाए तो बगैर पंखे के और बहुत सारे घरों में एसी है उसके बगैर नींद नहीं आती। क्यों माहौल तब्दील हो गया? लेकिन चला गया, तिलावत चली गई, दीन नुकसान हो गया, नमाजें चली गई। क्यों? ये घरों के अंदर वो गंदी टीवी आई, गाना बजाना आया, ये म्यूजिक आई, ये अदालत आई, ये जहन्नम का कनेक्शन आया और ये जहन्नम की बातें आई तो दीन नुकसान हो गया। दो बातें एक जगह जमा नहीं हो सकती। जिस घर में टीवी है, गाना बजाना है, वहाँ तिलावत नहीं हो सकती। अगर तिलावत होगी भी होगी, जिस ड्रम के अंदर पेशाब के पदल है उसमें पाक पानी डाला नहीं जाएगा तो पानी पाक नहीं होगा, बल्कि उन पेशाब के पदलों में मिलकर पानी भी नापाक हो जाएगा। इस गंदगी में, इस खबासत ने, इस यहूदी नसारा के एजेंट ने शर्म को खत्म कर दिया, हया को खत्म कर दिया, नमाज को खत्म कर दिया, बच्चों के जिक्र अफकार दुआओं के तस्करों को खत्म कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मदरसों की दुआएं नजमें पढ़ा करते थे, लबे आती है दुआ, अल्लाह इकबाल की जो नजम है वो कहते थे कि हमारी लब पर दुआएं आ रही, कहाँ है दुआएं? अब तो बच्चे गाने गाते हैं, गंदे गालियां माँ के सामने देती हैं, बच्चियां देती हैं और मोबाइल के अंदर गंदे गंदे मैसेज एक दूसरे को भेजा करते हैं। माँ बाप सोचते हैं अपनी उम्र में पहुंच गए हैं कि अगर इन्हें तंबी की जाए तो घर छोड़कर भाग जाएंगे, ना मार सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना समझा सकते हैं, घुट घुट कर माँ बाप जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि मेरी माँ और बहने एक घर के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती, अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की जहन्नम। जब से जहन्नम आई हमारे घरों के अंदर, अल्लाह की जन्नत रुखसत हो गई। जब हमारे दिलों के अंदर बेहयाई आई, ईमान रुखसत हो गया, शर्म रुखसत हो गई। तो वो कहाँ है माहौल जब दानियां कलिमा पढ़ा करती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो पोतरे नवासे नानियों के सामने, दादियों के सामने गुनाह करते थे, अब कलिमों पर गुनाह खत्म हो गया है। कहती थी अल्लाह कहाँ है तो बच्चे उंगलियां उठाकर बताते थे कि अल्लाह आसमान पर है। पूछते कितने हैं अल्लाह तो शहादत की उंगली से बताते थे बच्चे, अभी बोल नहीं पाते थे कि अल्लाह एक है। कलिमे का तर्जमा ना बोलने वाला बच्चा, ना चलने वाला बच्चा, रहने वाला अपने इशारों से कलिमे का माना बताता था, मतलब बताता था। आज बड़े हो गए, गुसल के पराए उसका ही नहीं है। कितनी औरतें हाथों के अंदर नेल पॉलिश लगी है, गुसल गुसल होता है, पूछिए दुनिया के किसी मुक्ति से। एक सुई के नाली के बराबर जिस्म के किसी हिस्से पर अगर पानी नहीं लगता तो उसका गुसल नहीं होता। अब नेल पॉलिश लगी हुई है, लगी हुई है, सब लगा रहे हैं तो इतना
भी लगा लिया, फैशन करना और कहां से कौन सा फैशन करना, किसके सामने करना, कहां तक करना, क्या हम आजाद नहीं काफिरों की तरह, हम मुसलमान नहीं है, अल्लाह के बदले नबी के गुलाम नहीं है, हम जो चाहे करेंगे इस दुनिया में। मेरी माए और बहन है, हर गुसल पर गुसल हो रहा है और अल्लाह के यहाँ वो गुसल मोतबर नहीं, वजू हो रहा है, गुसल करते हैं और अगर कोई गरारा ना करे, एक तो है कुल्ली करना, कुल्ली करते मुंह में पानी लेकर थूकना, और एक करते हैं गरारा, गरारा कर कहते हैं कुल्ली करते वक्त पानी को हलक की जगह तक पहुंचाना, कौन जानते हैं इन मसाइल को, और अगर गुसल फर्ज हो गया और उसके अंदर गरारा ना किया गया और उस गुसल के बाद ऐसे ही नमाज पढ़ ली गई, ना गुसल हुआ ना फर्ज नमाज हुई, एक है नाक में पानी डालना और एक है नाक में पानी चढ़ाना, नाक के बांसे तक इतनी उम्र के साथ पानी चढ़ाना कि जिससे नाक में तकलीफ होने लगे, ये गुसल के अंदर फर्ज है। कौन जानता है, कौन पूछता है, आज की बातों के तस्करे हो रहे हैं, मुंह में सामने दांतों के ऊपर पानी फूक दिया, वो भी करते नहीं करते अल्लाह को मालूम, नाक में पानी डाला पहले, हालांकि ये बात गलत है कि पैदल नहीं आना चाहिए, औरतों के अंदर जी हालत थी, खुदा रसूल का इतना खौफ था कि गुसल करते वक्त भी कलीमा पढ़कर और जो है कुछ दुआएं पढ़कर गुसल किया, ये हालत ही मालूम नहीं था, लेकिन उसमें भी अल्लाह का खौफ था जिनकी वजह से जहालत की वजह से वो दुआएं पढ़ लेती थी, कहां वो जहालत से दुआएं पढ़ना और कहां इस कबीर के दौर में, आज इन जो है हफ्तावारी इज्तिमा के दौर में, उलमा की मजलिस के दौर में, आज कुरान के चर्चों के दौर में, एक गुसल के वजह से वो औरत छोड़ रही है, फर्ज छोड़ रहा है, कुल्ली करते हैं ना गुसल नहीं होता, हलक की जड़ तक अगर पानी नहीं पहुंचाया जाता गुसल नहीं होता, नाक में अगर पानी डालकर सामने सामने पानी डालकर निकाल लिया, या किसी की अंगूठी है और अंगूठी को हरकत नहीं थी, अंगूठी को हलाया नहीं और अंगूठी के अंदर का हिस्सा सूखा रह गया, गुसल नहीं होगा, सभी मसाइल को जानता है, और पूरे जिस्म को ऐसे मलना कि जिसकी वजह से जो है एक सुई के दाने के बराबर भी जिस्म का हिस्सा सूखा ना रहे, ये गुसल के अंदर फर्ज है। कहां है मसाइल को बताने वाले, जानने वाले, पहले जहेज के अंदर जहेज की जरूरत और कलामे पाक को दिया जाता था, और जब तक लड़की जहेज की लेवर नहीं बनती थी उसका निकाह माँ बाप नहीं किया करते थे, उसके अंदर वजू के मसाइल होते थे, नमाज के मसाइल होते थे, औरत की पाकी नापाकी के मसाइल होते थे, और वो औरत जान लेती और शादी के बाद ईमान वाली जिंदगी गुजारती। तो आज आप देखते होंगे या कि आप जब बचपन में गए होंगे इस मदारिस में मकातिब में, तो याद होगा कि आपको पढ़ाया गया होगा पांच कलिमे और पांच कलिमों के साथ ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, क्या है वो, आमंतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, वह मलाइकति ही, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लेकर आया, वह कुतुबी ही, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आया, वह रसूली ही, अल्लाह के रसूलों पर ईमान ले आया, वल्यौमि लाखिर, आखिरत पर ईमान लेकर आया, वल्कदरि खैरिही व शर्रिही, तकदीर के खैर और शर पर ईमान लेकर आया, यानी जो कुछ होता है वो तकदीर में लिखा हुआ है, इसलिए होता है, इसलिए भी ये सफर का मेहमान, इस्लाम पर 1450 साल गुजर गए, शादियां नहीं हुई सफर के महीने में, इस महीने में कोई वफा आया आपके घर, किसी की मंगनी हुई, किसी की शादी हुई, किसी की घर की ठंडक हुई, नहीं साहब सफर का महीना, ये मनहूस महीना है, इसमें बोलते हैं कि खरीदना नहीं, बेचना नहीं, और शादी नहीं करना, मंगनी नहीं करना, लड़की को नहीं दिखाना, ये सब काफिरों चमारों के अकीद है, कुरान कहता है अकीद कहती है नमाज पढ़ो कामयाब हो जाओ और नमाज को छोड़ने वाला नाकाम, इसने असर की नमाज को छोड़ा, मन फाजरा का अन्नमा हो रहा हो, उसका माल, उसका परिवार, उसका खानदान, उसके घर वाले जल कर मर
नहुसतें नमाज को छोड़ने से आती हैं, बर्बादियां दीन पर ना चलने से आती हैं, औरत को बीमारियां पर्दे के इस्तेमाल ना करने से आती हैं। अब महीना खत्म हो गया, तेरा तेजी है, आखिरी का शुबा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब काफिरान आती है, मेरे कान आती है। नमाज चली गई, रोजा चला गया, दीन चला गया, तिलावत चली गई, जिक्र चला गया। अब भैरों के तरीके हमारी जिंदगी में रह गए। भैरों के अंदर होता है तो शादियां करते हैं तो पंडित के पास जाकर रहू कालम फुला कालम निकाल है, फुला मुहूर्त निकाल दे, फुला वक्त में निकाह करना अच्छा है, फुला वक्त में घर लेना अच्छा है। उल्टी निकाल से आज वो चीज मुसलमानों में आ गई। हदीस के भी है सबर को नहीं नामा आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरे मेरे बंदे दिन के शुरू में जो दो रकात अगर पढ़ ले सारे तीन महीने की हिफाजत करूंगा। नमाज पढ़ो अल्लाह की हिफाजत में चले जाओ। आज नमाज नहीं, रोजा नहीं, पर्दा नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं। चचेरा भाई आया, बोलेरा भाई आया, सबके सामने जिन लड़कों से निकाह हो सकता है उन लड़कों से पर्दा मौत तक है, मौत के बाद भी है, मौत तक भी है, मौत के बाद भी है, कब्र में रखे जाने के बाद भी है। अल्लाह ने औरत को जो पर्दा रखा जिंदगी में भी रखा, कब्र में लिखते जाने के बाद रखा, जनाजे में रखने के बाद रखा, कब्र में रखने के बाद रखा, कब्र में रखने के बाद भी मेरी माए और बहने तुम्हारे कफन को खोल कर घर में चेहरा दिखाना हराम है, हराम है। मौत के बाद भी तुम्हारे कफन को खोल कर चेहरे का दीदार कराना, जिनसे निकाह हो सकता है उनको लेकर जिंदगी में चेहरा दिखाना हराम है, मौत के बाद भी चेहरा दिखाना हराम है। ये शरीयत के अंदर जिंदगी और मौत के बाद पर्दा रखा गया, कफन में पर्दा रखा गया, दुनिया में पर्दा रखा गया। आज कहाँ है वो पर्दा, कहाँ है वो शर्म आया? कौन कौन हमारे घरों में आते हैं बेतकल्लुक हमसे बात करते हैं, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, ओनर का बेटा होने के नाम पर, शौहर के दोस्त होने के नाम पर। मुझे बताओ मौत के बाद चेहरे का दिखाना जिस औरत के लिए हराम हो, उसका भाई, उसका शौहर, उसका बेटा, उसका भाई अपनी माँ के, बहन के, बीवी के चेहरे को मौत के बाद नहीं दिखा सकता। अरे वो तो दूर की बात, बसाने वसूल दे रही थी, जिसम से कोई बाल निकल गया, टूट गया, कोई नाखून टूट गया। उलमा ने लिखा है तुम्हारे जिस्म से निकले हुए बाल को और नाखून को भी किसी घर को नहीं दिखाया जा सकता, उसको भी पर्दे में रखकर दफन कर दिया जाएगा। मेरी माए और बहने जिंदगी में नहीं, मौत के बाद जिसम से टूटे हुए बाल और जिसम से टूटे हुए नाखून को गैर को दिखाना भी शरीयत में हराम है। आज हमारे मुसलमान माशरे के अंदर क्या हो रहा है, अल्लाह की रहमतें कैसे आई? बाप कमाता है, बड़ा भाई कमाता है, बेटा कमाता है, रोना गया नहीं। हमारे आई साहब को जितना भी याद करें अल्लाह उनकी मकबूलियत फरमाए, पुराने वाकियात सुनाया करते थे। बिल्लौर के अंदर अमीरी नहीं थी, बहुत दो चार लोगों के पास कार थी। आज हर घर के सामने देखो, हर दूसरे चीज के घर के सामने कार है, कमाई ज्यादा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये जो कंपनियां हैं 50,000 60,000 1,00,000 15,00,000 रुपए चलना बरकते नहीं। हर एक करोड़ है, हर एक करोड़, हर एक कंज्यूज बना हुआ है, हर एक कर्ज लेना चाहता है, कर्ज लेकर उसको डुबा लेना चाहता है। जब कमाइयां नहीं थी, चराग का जमाना था, मिट्टी के घरों का जमाना था, गाली से नहीं हुए। हमारे भाई साहब फरमाया करते थे कि अगर लड़की को दिखाना होता तो लड़की का सुर्ख जोड़ा महल में किसी एक के पास होता, बतौर अमानत के मंगवा कर उसको पहना कर लड़की को दिखाया जाता था। चटाइयां नहीं थी, लेकिन कितना अमन था, सुकून था, कितनी राहत थी। क्यों? दीनदारी थी, खुदा रसूल का डर था, आखिरत का खौफ था। मस्जिदें क्यों नहीं की थी?
मस्जिदों में चराग जला करते थे, दिए जला करते थे। मेरे बचपने में हमारे वाले शिवाई नगर में हरी मस्जिद में इमाम थे, छोटे थे, देखते कि वहाँ मेहराबों के अंदर जो दीवार में हाउस के आसपास से लोग दिए जला करते थे। अलग अलग आता जो भी था, लेकिन कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं करता। छोटे बड़ों का इकराम करते, बड़े छोटों पर शफकत करते, ईदों को मिलकर जाते। ऐसा मालूम होता कि खुदा की रहमतें बरकतें इन पर निछावर है। कहाँ वो दिलों का इत्तेफाक है यार? बिल्डिंगें हैं, रुपया है, पैसा है, कारें हैं, दौलत है, कौन सा घर है जिस घर के अंदर फ्रिज नहीं है और जो है टीवियां नहीं है। अल्लाह में नवाजा है माल से, दौलत से, लेकिन अमल चला गया, सुकून चला गया, रात चली गई, व्यू घर भर कर, अलमारियां घर भर कर, कपड़े हैं, जूते दसियों के रात के अंदर है, एक ही चप्पल होती, उसी को सिला सिला कर चमारों का कारोबार खूब चला करता था। सिला सिला कर पहनते कपड़े बड़े पहनने के बाद छोटों को दे देते और छोटे उसको पहना करते थे। एक खानदान के बाद दूसरा खानदान उन कपड़ों को पहना करता था। अब इसके जीते जी कपड़े फटकर चले जा रहे, कोई दूसरा नहीं पहन पा रहा है। रहमतें चली गई, बरकतें चली गई, वो खाने मामूली थे, चटनी खाते थे, हिट खाते थे, दाल खाते थे, सारा चावल। अब तो सैकड़ों किस्म के पकवान टीवी में बताए जाते हैं और पकाने का कोर्स होता है और उसे सीख कर आती है, एक दूसरे से फोनों से पूछ कर पकाती है। मैक्रो ओवन आ गया है और न जाने क्या क्या चीज है, लेकिन है कि जुबान में लज्जतें खत्म हो गई, जुबान के मजे खत्म हो गए। मेरी माए और बहने, हमारी दुनिया तबाह हो चुकी है जब हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, खुदा रसूल के तस्वीरों को छोड़ दिया। जमीन आसमान भर कर हम रुपया लाए, हमें मजा नहीं मिलेगा। हम चीज बड़े पहनेंगे, सेवन रंग के कपड़े पहनेंगे। पहले हमने देखा, हम बता रहे हैं कि हमारे बचपने में होता था, मामा के कपड़े छोटे हुए भांजे को दे दिए गए, चाचा के कपड़े छोटे हुए भतीजे को दे दिए गए, पहनते थे और उन कपड़ों के अंदर नाम महसूस होता था, उन कपड़ों के अंदर आराम था, बरकतें थी, इसलिए के बड़े बुजुर्ग उनको पहने रहे थे। आज नहीं है, अल्लाह ताला ने नवाजा है। छोटा बच्चा पैदा होने वाला यदि रोज कमर्शियल में जाकर 500-700 का जोड़ा लेते हैं, आज पहले 500-700 के अंदर पूरे खानदान का कपड़ा आ जाता था। कहाँ देखते थे 500 की पत्ती, 50 रुपए, 60 रुपए, कहाँ वो बरकतें, कहाँ वो रहमतें, कहाँ वो घरों का सुकून चला गया। इसने छीन लिया, क्यों आदमी बीवी के झगड़े, क्यों भाई बहन के अंदर उनपत मोहब्बत नहीं, क्यों बड़े बड़े उसके दिलों के अंदर आज अदावतें, खाना पीने के यहाँ पक्का छोटी तैदाद में नहीं, मिट्टी के बटोरों ने उन खानों को रखकर पड़ोस को पहुँचाया जाता, पड़ोस दिल से दुआ देता, बच्चों को तोहफे दिए जाते, बच्चे बड़ों के लिए दुआएं रहमत करते, 7 रुपए का 10 रुपए का व्यापार होता और पूरे खानदान को उसके अंदर उसकी परवरिश की जाती। लाखों रुपए आमदनी है, किराया आता है, गाड़ियां कंपनियों को अटैच की हुई है और सुना है सुना है सुना, बेटा अमेरिका में है, सुना बेटा सऊदी में है, सुना बेटा हम इंग्लैंड में है, कभी दुनिया की है, राहत नहीं है, सुकून नहीं है, मौत मांग रहे हैं लोग, मौत मांगते हैं, पूछो कहते हैं दुआ करो अल्लाह ताला जल्द अपने पास बुला ले, या अगर ना भी कहते हो जुबान के दिल में तो सोचते होंगे कि दुनिया में रखा क्या है, तो चले जाना चाहिए। मेरी माए और बहने, अल्लाह के दीन से हटेंगे, रहमतें हट जाएंगी, कुरान से हटेंगे, नबी के तरीके से हटेंगे, खुदा की नाराजगी आएगी, अल्लाह तबारक ताला का गज़ब आएगा, रहमतें बरकतें खत्म हो जाएंगी और जिंदगी मौत से पहले जहन्नम का नमूना बन जाएगी। अब देखिए ये सब क्या है, सफर के रहने में लोग शादी नहीं करते, कहते हैं कि सफर का रहना मनहूस है, आखिरी शादी में आए कल के बाद कोई कार्यक्रम नहीं आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से शिफा पाए और जो है लोग कहते हैं हरियाली को तलने जाए, एक नबी का काम है जो हरियाली को तलने जाएगा,
ہی میں آج مسلمانوں کے اندر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا جو شادی ہوئی وہ اسی مہینے میں بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے اپنی بیویوں سے ہماری ماؤں میں سب سے زیادہ جو محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں نکاح ہوا. اور مسلمان آج کا کہہ رہا ہے کہ یہ مہینے میں نکاح ہوا تو ٹوٹ جاتا ہے, یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. اعوذ باللہ, نماز کو چھوڑنا نہ ہو سکتا نہیں, دین کو چھوڑنا نہ ہو سکتا نہیں, بے پردگی نہ ہو سکتا نہیں, مرد کا داڑھی منانا نہ ہو سکتا نہیں, گھر کے اندر ٹی وی لگانا گانا بجانا نہ ہو سکتا نہیں. اب مہینہ منحوس ہو گیا. حدیث پاک میں سرور کون ہے آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی آپ جانتی ہیں, اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ کے پیغام کو نقل کرتے آقا اللہ کے پیغام کو نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الزہر, اے لوگو میرے بندو تم زنانے کو گالی نہ دو, یہ نہ کہو کہ سفر کا کا مہینہ منحوس ہے, فلاں دن منحوس ہے, محرم کا مہینہ فلاں منحوس ہے, اس میں شادی شدہ نوجوان لڑکیاں اپنے شوہروں کو نہیں دیکھیں, یہ سب غلط. لا تسبوا الزہر, تم زمانے کو گالی نہ دو. مانا زمانے کو میں پیدا کیا ہوں, میں زمانہ ہوں. بھائی سفر کا مہینہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. مرد عورتوں کو اللہ نے بنایا. بات کیسے آپ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو گالی دے رہے ہیں؟ قصور ہمارا ہے. ہم جو ہے اپنے اوپر لے کر کیچڑ ڈال لیں, گندگی ڈال لیں, اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کا دن تو بہت برا دن ہے. کیوں برا دن ہے؟ کیچڑ ہم نے ڈال لیا, ہم نے گندگی کھائی, ہم نے پرہیز توڑ دیا. شوہر کا پیشنٹ تھا, ڈاکٹر نے منع کیا کہ شکر نہ کھائے. بیوی کا پیشنٹ تھا, ڈاکٹر نے منع کیا کہ نمک زیادہ نہ کھاؤ. اب کھا لیا, بیماری بڑھ گئی. اب بیماری بڑھنے کے بعد کہتا ہے منگل کے دن, نہیں بھی منگل کا دن منحوس دن ہے. منگل نے کیا کیا؟ اگر پرہیز کر لیتا تو میری بیماری نہیں بڑھتی. آنکھ کھول کر چلتا تو کھڈے میں نہ گرتا, آنکھ بند کر کر جا رہا تھا گڑے میں گر گیا. اب قصور کس کا تھا؟ آم بند کرنے کا تھا, بجائے وہ کرنے کے وغیرہ نہیں تھا. آج میں پیر کے دن جانے کو تھا, جمعہ کے دن جانے کو تھا, جمعہ کا روز میرے واسطے برابر نہیں. کون سا انصاف ہے؟ میری بھائی وجہ ہے ہم زندگی میں دین لائے, زندگی میں آقا کے طریقے لائے, زندگی میں قرآن لائے, زندگی میں ذکر لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لائے. اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. ہم ہٹ کر جتنا ماڈرن بننے کی کوشش کریں گے, امریکہ اور برطانیہ کے کتوں کی نقل کریں گے, میری مائیں اور بہنیں سوائے ہماری زندگی میں بربادی کے اور کچھ نہیں آ سکتا. صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ماننا کی ہو؟ کیا ان کے بندے سے کوٹیاں تھی؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کیا محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہارے باپ ہی ان سے محبت کرنے والے؟ کیا ہمارے بڑے ہم سے محبت کرنے والے؟ حضرت علی کو کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی؟ کیا رہا گھر گھر کا ماحول؟ ایک وقت پکتا ہے, ایک وقت چولہا نہیں جلتا. صبر کرتے آپ نے چکی کی تا کر دی تھی, گھر کو جھایا کر دی تھی. اگر وہ آدمی رکھتی, اگر وہ کام والی رکھنا چاہے, میری مائیں اور بہنیں اللہ کی قدم آسمان کے فرشتے آ کر حضرت فاطمہ کے گھر کو جھاڑو دے کر جاتے. اتنی پاک باز عورت, اتنی پاک تینت عورت, نبی کی رس جگر نور جگر, جنتی عورتوں کی سردار. لیکن گھر کا ماحول کیا ہے؟ کتنے کپڑے تھے؟ حضرت ابراہیم ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آیا, آپ مجھے اپنی بیٹی کے گھر لے جانا چاہتے تھے. اب جانے سے پہلے گھر میں اجازت لینا ہے. تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا, بیٹی فاطمہ کیا میں آؤں اور میرے ساتھ صحابی بھی ہیں, کیا وہ بھی آئے؟ جب نبی عورتوں کے سردار
نبی کی نور نظر، نبی کی راتیں نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور قرار، دنیا میں سر زمین میں آقا کی بیٹی فاطمہ دیوی مان عورت آج نہیں ملے گی. اتنی کہ جنتی ہوئے رات پر قربان. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابا آپ تو آ سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ کے دوست کو نہیں لا سکتے. اچھا کیوں نہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ فرمایا، ابا میرے جسم پر ایک چادر ہے، اگر اس کو پردہ بنا لیا جائے گا تو میرے جسم ننگا ہو جائے گا، اور اگر میں اسے باندھ کر رکھوں تو پردہ کرنے کے لیے اے ابا محمد کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کے گھر میں دوسری چادر نہیں ہے. میری مائیں اور بہنیں کون سا گھر تھا وہ، ایک دوسری چادر پردہ کرنے کے لیے نہیں تھی. آقا نے اپنی چادر کو پھینکا، فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنی چادر کو جسم سے نہ نکالنا، لے اس چادر کا تو پردہ کر لے. جب چادر کا پردہ کیا گیا تب آپ نے صحابی حضرت ابراہیم نے بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے گھر لے کر لے. یہ گھروں کا ماحول تھا، لیکن اس گھر پر جنت کی ہوئے قربان تھی. آج ہمارے گھروں میں کتنے کپڑے ہیں، میاسیوں کے جوتے اور چپل ہیں، بنگڑیاں ہیں، کتنا سونا اور چاندی کا زیور ہے، لیکن کیا گھر میں سکون، کیا گھر میں راحت ہے، امن ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، اگر سونا اور چاندی، مال اور دولت یہ ہمیں عزت دے سکتے تھے، یہ ہمیں امن اور سکون اور چین دے سکتے تھے، تو قارون کبھی مرتا نہ تھا. شیطان اپنی بڑائی ہی جنت میں آرام سے رہتا. میری مائیں اور بہنیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا کہ اس مال نے، اس دنیا نے کس کے ساتھ وفا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ دنیا وفادار ہے. چھوڑ دو، خوب دو اس دنیا کے منہ پر، قرآن کو سینے سے لگا لو، آخرت سے محبت کرو، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرو، مرنے کے بعد کی زندگی بنانے کی فکر کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن ذکر حدیث کا ماحول لاؤ. یہ لوگ بتائے گئے اعمال ہے، اس کتاب کو پڑھو، سناؤ بچوں کو، بزرگوں کے واقعات سناؤ، اور جب تک رات میں وضو نہ کریں بچے، بڑے کریں گے تو نہ کریں گے وہ بچے، بڑے بھی کریں بچوں سے کریں، اور بٹھا کر ان کو رات کو سونے کی دعائیں سنائیں، پڑھائیں، اور سورہ ملک کو ایک پڑھے سب سنیں، یا اگر سب پڑھنے والے ہوں سورہ ملک پڑھیں. حدیث کا ہے کہ اگر کوئی سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کا عذاب نہیں دے گی. میری مائیں اور بہنیں یہ ماحول بنائیں، یہ ماحول بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے نئی تراغی کو دور کرے، نبوست کو دور کرے، اللہ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سارا دین کی باتیں سننے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.